अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम थ्योरी ऑफ कम्बिनेट्रिक्स विद एप्लीकेशंस, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब की ये बुक चैप्टर नंबर 4, इसका लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में देखा, एग्जाम्पल सोल्व की, 4.1 कम्प्लीट की, इसके बाद एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन देखा। तो आज के दिन हम मॉडलिंग प्रॉब्लम्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मॉडलिंग प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो हेडिंग ये लगी हुई है, मॉडलिंग प्रॉब्लम्स, और हमारा जो यानी कि इसकी थ्योरी है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। इन दिस सेक्शन, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी ज़्यादा लिखने वाली नहीं थी और ये पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, थ्योरी ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं बुक से ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी शैल डिस्कस हाउ द नोशन ऑफ जनरेटिंग फंक्शन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व सम कम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि कम्बिनेट्रिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, हम देखेंगे कि उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन कैसे यूज़फुल होता है। ठीक है, कैसे यूज़फुल रहा है ये हमने डिस्कस कर भी लिया और मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। थ्रू द एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड द रीडर विल बी एबल टू सी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टेक्निक्स स्टडी डियर। उसने कहा कि एग्जाम्पल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके ज़रिए आप को पता चल जाएगा यानी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। टू बिगिन विद कहते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए आइए, यहाँ से पहली एप्लीकेशन है, यानी कि पहली एप्लीकेशन ही पहली एग्जाम्पल्स हैं, या जिस तरह वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चंस पहले हमने सोल्व कर लिए हैं। मुझे इतनी हैरानी हो रही है कि उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि उन पता नहीं कैसे उन्होंने तरतीब, चलो जैसी भी उन्होंने बुक की तरतीब लगाई है, समझदार हैं, अच्छी लगाई होगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये चीज़ें जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं ना, ये सारी हमने पहले पढ़ ली हैं। अब ये वहाँ पे प्रूफ देने लगे हैं, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करने लगे हैं कि ये चीज़ें निकल के कहाँ से आई थी। ठीक है, यह सोच कैसे उभरी थी। तो बता रहे हैं कि टू स्टार्ट विद, एक सेट से हम स्टार्ट करते हैं जिसको सेट एस का नाम दिया गया है, और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी। कंसिडर द वेरियस वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्राम सेट एस। उन्होंने कहा कि कंसिडर करते हैं वेरियस वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के वेरियस वेज हैं। टू सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट फ्राम एस, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले देखें ना इसके सबसेट बनाने की कोशिश करें। तो इसके सबसेट कौन से बनेंगे, एक तो ए बन जाएगा, ठीक है, एक तो बी बन जाएगा, एक खाली सेट भी बनेगा, ठीक है। और लेकिन अगर हमने हाँ, और एक बी बन जाएगा, एक सी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो यानी कि कोई ना कोई चीज़ तो सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसको रहने दें। ठीक है, इसके अलावा ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, सी ए आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 8 बनेंगे, इसको निकाल दें तो 7। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अगर हम वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, या ए या बी या सी। पता है आपको, या के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं, सम रूल ऑफ काउंटिंग या एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, एडिशन प्रिंसिपल। अगर दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी ए हो सकता है। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात की जा रही है, अरेंजमेंट की नहीं, क्योंकि अरेंजमेंट होता तो वो बी ए एक अलहदा चीज़ हो जानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा ए बी भी हो सकता है, बी सी भी, तो सी ए भी। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए बी या बी सी या सी ए। इसी तरह अगर 3 एलिमेंट्स है तो ए बी सी होगा, और इसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि दी सिम्बल्स कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सिम्बल्स को हम एक्सप्रेशन में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, 1+ax, 1+bx, 1+cx। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ये वाली जो चीज़ थी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या यहाँ पे आ गई। अब ये जो ए बी सी था वो यहाँ पे आ गया, और इसको उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, सिंपल मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने कहा कि जब हम खाली सेट भी था ना, एक मैं बताता हूँ, फ़र्ज़ किया ये खाली सेट था एक हमारे पास, तो खाली सेट में कोई चीज़ नहीं होती। मैं यहाँ पर आपको ना सिंपल बता देता हूँ, कोई चीज़ नहीं है, यानी कि ये वाला डब्बा खाली है, खाली सेट है। एक और डब्बा बना लेता हूँ, तो इसमें मैं कह देता हूँ ए को अलहदा चूज़ किया, बी को अलहदा चूज़ किया, सी को अलहदा चूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ए बी, यहाँ पे कह देता हूँ बी सी, और यहाँ पे कह देता हूँ सी ए या ए सी, और एक और डब्बा जिसमें ए बी सी, यानी कि ये 8 चीज़ें बनेंगी ना, 3, 3, 6, 7 और 8। ठीक है, एक ये, दूसरी ये, 3, 3 ये। अब जब कोई सिलेक्ट नहीं किया तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 1। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो एक्स की पावर 0। जब एक को सिलेक्ट किया था, एक्स की पावर 1 आ जाएगी, तो वो या ए हो सकता था, या बी या सी। जब दो दो को सिलेक्ट किया था तो वो ए बी हो सकता है, या बी सी या सी ए। और जब तीनों को सिलेक्ट किया तो एक भी था।
ठीक है। तो इन सभी को अगर हम क्लोज करके देखें इस फार्मूले को, तो ये वाली चीज़ बनती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जनरेटिंग फंक्शन होगा या जनरेटिंग फार्मूला जो भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। और यहाँ तक तो हमें क्लियर आ गया। अब उन्होंने इसको मज़ीद ब्रीफली डिस्कस किया, वो कहते हैं कि वी मे राइट, हम लिख सकते हैं, ये देखें उन्होंने कहा है कि 1 + ax को ना हम एक्स की पावर 0 + ax की पावर 1 लिख सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, इस वाली चीज़ पे फोकस करें कि ये क्या लिखा हुआ है, 1 + ax है ना, 1 + ax, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ना x की पावर 0 + ax की पावर 1, ठीक है। अब अगर मैं a की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दूं, तो ये आ जाएगा x की पावर 0 + a की जगह 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x, और ये हमारे पास आ गया 1 + x, ठीक है। तो ये वाले देखें, ये वाली चीज़ें हम पहले एग्जांपल्स में सोल्व कर चुके हैं, 1 + x या 1 + x + x² + x³, ये वाली इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं पहले। तो ये देखें, यानी कि हम जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको इस फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। तो यही लिखा है कि 1 + ax को हम इस तरह लिख सकते हैं, विच मे बी इंटरप्टेड एज ए इज़ नॉट सिलेक्टेड, यहाँ पे है कि ए जब सिलेक्ट नहीं किया या ए सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर अब एग्जांपल आ गई, देखें, अगर एग्जांपल आ गई कि ए को या सिलेक्ट नहीं करना, या एक दफ़ा करना है, या दो दफ़ा करना है, या तीन दफ़ा करना है, तो इसके लिखूँगा ये, यहाँ पर ए को नहीं सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, यहाँ पर ए को 1 बार सिलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे ए को 2 बार सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे ए को या फिर 3 बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ए की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, बन जाएगा 1 + x + x² + x³, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि ए को हम नहीं भी सिलेक्ट कर सकते, या अगर सिलेक्ट करना है तो एक दफ़ा भी, दो दफ़ा भी, तीन दफ़ा भी, चार दफ़ा भी कर तीन दफ़ा भी कर सकते हैं, तो फिर ये वाली चीज़ प्रोसीजर यूज़ हुआ करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा, हम इसको इस फॉर्मेट में लेके आने की कोशिश करेंगे। तो आगे यही लिखा है कि सिमिलरली 1 + b के लिए ये भी होगा, 1 + c के लिए भी यही होगा। इसका मतलब क्या है, या नहीं सिलेक्ट किया या एक दफ़ा सिलेक्ट किया है, विच मे बी इंटरप्टेड एज सी इज़ नॉट सिलेक्टेड, या सिलेक्ट नहीं किया या फिर एक दफ़ा सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो फ्राम राइट हैंड साइड ऑफ 1 वी कंक्लूड डैट, हमने ये राइट हैंड साइड वाले से कंक्लूड किया है, क्या कंक्लूड किया है वो हम देखते हैं, यहाँ से वो राइट हैंड साइड भी तो नज़र आए ना, अब ठीक है। क्या कहते हैं वो, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 थी, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है। द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज अ टर्म इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को इन द सिलेक्शन, कि कितने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 दफ़ा 3 चीज़ें सिलेक्ट किया, या ए को कर सकते हैं, या बी को, या सी को। यहाँ पे भी हमारे पास 3 वेज हैं ए बी बी सी सी ए को सिलेक्ट करने के, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है। बच्चों मैं दोबारा आपको यहाँ से समझाता हूँ, अगर हमने कोई खाली एलिमेंट, यानी कि देखें ना, दोबारा सेट में से सारे सबसेट बनाता हूँ, तो ये वाला आ गया खाली सेट आ गया, ये हमारे पास ए एक वाला आ गया सिंगलटन सेट, बी वाला आ गया, ठीक है, और सी वाला आ गया, यहाँ पे आगे ए बी आ गया, ठीक है, कोमा के साथ आना, ए बी आ गया, ठीक है, बी सी आ गया, ए सी आ गया, और एक जो है वो पूरा खुद ब खुद सेट आ जाएगा, ए बी सी आ गया, ए बी और सी। यहाँ से गौर करिएगा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि दो वाले कितने, दो वाले आप बताएं कितने हैं, दो वाले, मैं ये नहीं पूछ रहा कौन कौन से हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने हैं। तो आप ये देखें, यानी कि दो दो सिलेक्ट किए थे, तो एक्स की पावर 2 के साथ कितनी चीज़ें आ रही हैं, 1, 2, 3 चीज़ें आ रही हैं, तो इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। फ़र्ज़ किया मैं ए की जगह भी 1, बी की जगह भी 1, सी की जगह भी 1 सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो इसकी जगह भी 1 + 1 + 1, तो ये 3x² आ जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट होगा, तो वो हमें बताया करेगा क्या, ये चीज़ हमें बताई करेगी कि हमने कितने तरीक़ों से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही है, उन्होंने कहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर होगी वो इंडिकेट किया करेगी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट शो ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन, और पॉसिबल कोफिशिएंट जो है वो शो करेगा कि कितने वेज हैं इसको सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो ये एक ए बी, एक बी सी, एक सी ए वे है, तीनों की जगह 1 1 सब्सटीट्यूट करके प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास 3 आंसर आएगा, 3 पॉसिबल वेज हैं ए बी बी सी और सी ए, बिल्कुल यही लिखा गया है। तो आगे देखिएगा,
आगे उन्होंने कहा है वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन, हम नंबर ऑफ वेज कितने हैं इसके बारे में इंटरेस्टेड है, तो ए बी सी की जगह वन वन सब्सटीट्यूट कर दें। तो जब वन वन सब्सटीट्यूट किया तो ये सारी कैलकुलेशन इस तरह आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम एक सेलेक्ट करना चाहें तो वो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, दो सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी तीन तरीक़ों, अगर एक वाला या तीन दफ़ा वाला सेलेक्ट करना चाहें, अगर एक दफ़ा वाला या कोई दफ़ा वाला नहीं ये वाला करना चाहें तो इसका वन वन ही आएगा, ठीक है। और हैंस द जनरेटिंग फंक्शन, इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब वाला आ जाएगा, तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा। यानी कि ये ओपन फॉर्म है और इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, यानी कि वन प्लस एक्स की पावर थ्री, तो ये क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगी, ठीक है। हैंस द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला जनरेटिंग फंक्शन होगा। इसी तरह अब एस को एक्सपेंड कर दिया है, अब इस एस में से, यानी कि ये एन एलिमेंट्स का सेट है, अगर इसमें से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं एन में से, तो पहले तीन ऑब्जेक्ट थे ना ए बी सी, देखें तो पहले सेट में तीन ऑब्जेक्ट थे तो वन प्लस एक्स की पावर थ्री आ गई थी, अब सेट में एन ऑब्जेक्ट हैं तो वन प्लस एक्स की पावर एन आ जाएगी, ठीक है। इफ़ ए आर डिनोट द नंबर ऑफ सच वेज देन वी नीड ओनली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर, उन्होंने कहा है कि अगर ए आर जो है वो नंबर ऑफ वेज को डिनोट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट चाहिए होगा। यहाँ पे केसेस आ गए हैं तो स्पीड से इसको अब करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं डीपली यानी कि ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बड़ी क्लास है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि द केस ऑफ रिपीटेड एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट्स रिपीट कर गए जैसे ए ए और ये बी आ गया, या दो, इसको हम मल्टी सेट की यानी कि ये भी लिख सकते हैं, ये मल्टी सेट होता है, यानी कि टू टाइम्स ए और वन टाइम बी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए नीचे बयान किया गया है, ये देखें, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, अब ये वाला जो मैंने आपको करके दिखाया भी था, जब जीरो दफ़ा सेलेक्ट किया तो ये वन दफ़ा ये टू दफ़ा ये, यानी कि रिपीट कर गया ना, और एक दफ़ा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बाद में इनको मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया गया है, ठीक है। और इसके बाद इसको कहा गया है कि एक जगह वन सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाले बन जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर वो कहते हैं कि ए को या सिलेक्ट करना, यानी कि ए की वैल्यू जीरो से वन हो सक टू हो सकती है, और बी जो है या उसको सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए ये बनेगा, जब ए को सिलेक्ट नहीं किया तो एक्स की पावर जीरो, जब सिलेक्ट किया एक्स की पावर वन, जब नहीं दो दफ़ा ए आ गया तो एक्स की पावर टू, ठीक है। यहाँ पर बी या सिलेक्ट नहीं किया या सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर वो कहता फाइव एज हैं तो हम लिखते हैं वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर और प्लस एक्स की पावर फाइव, ये किसके लिए है, जब उन्होंने कहना था ए जो है वो फाइव टाइम्स है, ठीक है। तो ये अब हमने बनाना सीख लिया, मल्टी सेट के लिए हम इसको बना सकते हैं, और बाद में इसका जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना हमने सीखा है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 24 है, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 24 मैं यहाँ पर आपको यहीं पर करवा देता हूँ, कहीं पर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वाला हमारे पास सेट है, तो अगर हम इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखना चाहें तो मैं लिखूंगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें तो इस बी वाले के लिखने लगा हूँ, दो बी है तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले कोई दफ़ा बी नहीं आया, यानी कि एक्स की पावर जीरो वन होता है ना, फिर एक दफ़ा बी आएगा या फिर दो दफ़ा आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास वन टाइम सी है, तो वन टाइम सी के लिए या सी नहीं आएगा या सी एक दफ़ा आएगा, ठीक है। अब इसके आगे टू टाइम्स डी है, तो इसकी मतलब क्या है कि कोई दफ़ा डी नहीं आया, एक दफ़ा डी आएगा प्लस दो दफ़ा डी आएगा, और ई भी एक टाइम है तो वन प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें इसका भी स्केयर बनता है, इसका भी स्केयर बनता है, तो इसका स्केयर बना के इसको ओपन कर लें, तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस टू, यानी कि जब एक्स ये बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे वाले को और चौथे वाले को, तो आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो फार्मूला एक्स की पावर फोर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी, तो ये टू एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस टू ए सी प्लस टू एक्स आ जाएगा और प्लस टू एक्स स्केयर आ जाएगा, ये वाली सारी चीज़ आ गई। अब देखें उन्होंने कहा है कि फोर मेंबर फ्रॉम मल्टी सेट टू सेलेक्ट फोर मेंबर, फोर मेंबर को सिलेक्ट करना है तो हमें एक्स की पावर फोर का कोफिशियंट चाहिए, एक्स की पावर फोर का। तो सबसे पहले देखें कि जब हम इस सारी चीज़ को एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, उस वक्त ये वाली चीज़ आ रही है, तो इसका कोफिशियंट कितना है, वन आ गया प्लस। अब ये देखें एक्स वाले को करवाऊंगा ना तो एक्स क्यूब वाला मैं ढूंढूंगा, तो दो बार चार,
तो प्लस फोर आ गए। अब जब एक्स स्क्वायर वाले करवाऊंगा फिर मैं टू वाला ढूंढूंगा, तो एक टू वाला ये है प्लस वन आ गया, और एक टू वाला कौन सा है, ये वाला है स्क्वायर, तो प्लस टू, एक बार दो टू आ गया। ठीक है, तो सभी को प्लस करें, चार और एक पाँच, छः सात और एक आठ, तो हमारे पास इसका कोफिशेंट कितना आ गया, एट एक्स की पावर फोर। सिंपल आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लीकेशन करके एक्स की पावर फोर का जो कोफिशेंट आ गया ना, वही हमारे पास नंबर ऑफ वेज हुआ करेंगे। तो अगर हम इनमें से चार एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये कितने वेज होंगे, तो वो आठ वेज होंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ लिखी हुई है एग्जांपल हमारी सोल्व। अब उन्होंने इन जनरल इन चीज़ों को कर दिया है, तो देखें उन्होंने कहा है कि ए आर जो है, यानी कि ये हमारे पास मल्टी सेट दिया गया है, ये वाला एक मल्टी सेट उन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखें, तो एन वन टाइम्स जो है वो बी वन है। ठीक है, तो ये देखें, बी जब नहीं होगा, बी जब एक दफ़ा होगा, जब दो दफ़ा होगा, कितनी दफ़ा होगा, एन वन टाइम्स। ठीक है, इसी तरह अब एन टू टाइम्स बी टू है, तो ये एन टू टाइम्स बी टू है, इसी तरह सो ऑन, एन के टाइम्स बी के है, तो एन के टाइम्स बी के है। जिस तरह हम पीछे वाली एग्जांपल करके आए कि अगर देखें, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि टू टाइम्स बी वन है ना, तो ये वन प्लस एक्स के लिए आना था। ठीक है, तो ये इस तरह चीज़ हमारे पास चलेगी। अब इनके साथ बी वन भी लिखा होगा, इनके साथ बी टू भी लिखा होगा, इनके साथ बी के भी लिखा होगा, लेकिन उनकी वैल्यू हमने वन पुट किया, हम पीछे देख के आए थे। ठीक है, तो ये आगे अब नेक्स्ट आ जाए दूसरे पे, ये हमें क्या कहता है, जब इन्फिनिट चीज़ें होंगी तो ये वाली चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये इन्फिनिट भी वन है ना, तो ये वन से लेकर टू भी हो सकता है, थ्री भी इन्फिनिट भी जा सकता है, वन भी टू भी इन्फिनिट जा सकता है, ये वन टू। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास, बस ये भी आपको आता है। और ये उन्होंने कह दिया इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका जनरेटिंग फंक्शन हम देख के आए थे, ये इसके इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है दोबारा बता दूं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो पहली टर्म वन माइनस कॉमन रेशियो एक्स आएगी, और इसकी पावर इन्फिनिट टर्म्स है इन्फिनिटी आ जाएगी ओवर वन माइनस एक्स। ठीक है, और एक्स का मोड यहाँ पर लेस देन वन होता है, तो ये एक्स की पावर इन्फिनिटी जो है ये फिर ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वन माइनस ज़ीरो ओवर वन ओवर, ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्फिनिट, यानी कि ये देखे ना कि ऊपर हम डिस्कस करके आए थे ये वाली चीज़, यानी कि ये वाली। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, बी वन भी इन्फिनिट टाइम्स है, बी टू भी इन्फिनिट टाइम्स है, बी के भी इन्फिनिट टाइम्स है, तो इसके ये बी वन के लिए, ये बी टू के लिए, ये सो ऑन बी के लिए। ठीक है, अब इसकी जगह पर भी हम वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन पुट करेंगे। ठीक है, इसका जनरेटिंग फंक्शन भी वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन करेंगे, और सो ऑन, इसका भी वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन करेंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है, के टाइम्स है, वन से लेके के टाइम्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, और ये कितने टाइम्स है, के टाइम्स है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या पहले ही इनको मल्टीप्लाई कर दें, सारी चीज़ें सेम है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता गया, और ये के टाइम्स आगे मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप कर लें। तो ये वाला देखें, यहाँ तक लिख लिया उन्होंने, यानी कि ये के टाइम्स हैं। अब ये देखें, ये बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव ना भी करें ना, तो आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि हम लोग एग्जांपल नंबर नाइन में ये फार्मूला देख के आए, वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन जो है ना, ये इक्वल होता है समीशन आर जीरो से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, और एन प्लस आर माइनस वन और सी आर। ठीक है, यहाँ पे आर आ जाएगा, और एक्स की पावर आर, तो यही फार्मूला यूज़ करेगा इस पर, क्या करेगा, आर जीरो से इन्फिनिटी होता है, और ये आ जाएगा आर प्लस के, क्या आर प्लस के माइनस वन और सी। ओ अच्छा, यहाँ पे एन की जगह के लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने एन की जगह पे के लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स की पावर आर का कोफिशियंट कौन सा है, ये वाला कोफिशियंट आ गया, और ये वाला कोफिशियंट उन्होंने लिखा गया। हेयर इज़ द कोफिशियंट ऑफ ए आर, क्या है, इसका कोफिशियंट है, और ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि इस ए की पावर आर का कोफिशियंट ये वाला है ना, तो इसे ए आर से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक हो गया, फार्मूला मैं दोबारा बता दूं, देखें फार्मूला क्या होगा, अगर वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन है ना, माइनस एन है, तो ये इक्वल होगा समीशन आर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और ये हमारे पास आ जाएगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर और एक्स की पावर आर, और अगर यहाँ पे के आ जाए तो फिर यहाँ पे भी के आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये सिंपल सी बात, और हमने एक्सपोनेंशियल हमने जनरेटिंग फंक्शन में पढ़ा है कि ये इस तरह होता है, आर जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पे ए आर आया करता है, और यहाँ एक्स की पावर आर, तो दोनों को कंपेयर करें तो ए आर की वैल्यू ये वाली हो गई। ठीक हो गया, ये इन्फिनिट, यानी कि अगर एक सेट में बी के एलिमेंट्स हैं और बी वन भी इन्फिनिट टाइम्स है, बी टू भी इन्फिनिट टाइम्स है, ये उसके लिए कारामद है। ठीक है, अब यही चीज़ हम चैप्टर नंबर वन में डिस्कस करके आए थे, लेकिन इनको सोल्व करने का न्यू मैथड जो है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन से। ठीक है, तीसरा पार्ट आ गया है कि जब ये देखें
लेट ए आर बी द नंबर ऑफ डिस्टिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन टू एन बॉक्स। अब कह रहा है कि ए आर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, इन टू एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेज, लेकिन जिसमें हमने इनको रखना है वो जो है वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट बॉक्सेज हैं, तो उसके लिए जनरेटिंग फंक्शन ये होगा, ये भी होगा, ठीक है ना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना, तो ये भी इन्फिनिट चीज़ें होंगी, एक जैसे हैं सारे, तो ये इस तरह आ जाएगा। और इसके लिए भी दोबारा वही चीज़ होगी। अब यहाँ पे ये एन टाइम्स शो करवाया गया है, तो यहाँ पावर एन आ जाएगी, बस यहाँ के एक जगह एन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये फोर्थ वाला हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग आर फ्राम द इनफाइनाइट मल्टी। अब वो कह रहा है कि आर मेंबर्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द इनफिनिट मल्टी सेट, इनफिनिट मल्टी सेट इसमें से। अब ये सेट भी उसी तरह है, आर ए आर द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूटिंग आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू एन आइडेंटिकल बॉक्सेस, देन द जेनेटिक फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस कैन आल्सो बी गिवन एज, ठीक है। तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, कौन सी बात, मैंने कहा था कि सभी का जनरेटिंग फंक्शन लैदा लिख दें या सारी चीज़ें एक जैसी हैं तो उनकी पावर के लिख दें, यानी कि के टाइम्स है ना, पीछे मैं बता के आया था, यानी कि वन ओवर वन माइनस एक्स, वन ओवर वन माइनस एक्स, इस सभी की पावर के लिख दें, या इससे पहले जो जनरेटिंग फंक्शन है उसकी पावर के लिख दें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। मैं बताता हूँ दोबारा, ये वाला ये चीज़ थी ना, तो मैंने कहा था ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ सेम है, तो आप इसको लिख दें वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सोन, क्या आएगा प्लस सोन, ये चीज़ चलती जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी के, क्योंकि ये के टाइम्स है, ये देखें ना बी के, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने बताई थी, तो वही हम यहाँ पे इस तरह लैदा केस में की गई है, ठीक है, कि आप इस तरह कर दें कि ये वाली चीज़ इसकी पावर कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी या के आ जाएगी, ठीक है। के लगाओ बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना वन से लेकर के तक जा रहे हैं, तो बाद में के लगा के उसी तरह आपने सोल्व करना है और ये कोफिशेंट आ जाएगा, ठीक है। ये बताया गया है कि इसको यूज़ करते हुए हमने इससे ये वाली चीज़ लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करिएगा कि ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे देखें, तो ये x की पावर 0 थी, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर r है, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिखता ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो x की पावर क्यूब तक जा रही है, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, एक दो तीन चार, चार नंबर ऑफ़ टर्म्स है, ठीक है। जितनी पावर हुआ करेगी उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, क्योंकि उसमें जीरो वाली चीज़ भी काउंट होंगी, तो अगर ये आर तक जा रहा है तो ये आर प्लस वन नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी, तो इसलिए ये उन्होंने आर प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद ये कोफिशेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट देखें, लेट एयर बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इन टू बॉक्सिस सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। अब उन्होंने कह दिया कोई भी डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, तो पहले हम एक्स की पावर जीरो भी करवाते थे ना, यानी कि कोई चीज़ नहीं इनपुट करनी, यानी कि कुछ भी नहीं रखा, तो अब वो कहता है कि एक्स की पावर जीरो वाला ना हो, क्यों, क्योंकि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है, तो फिर या चीज़ वन हो सकती है या टू या थ्री, अब खाली वाला केस नहीं लेना। अब ये इस तरह की चीज़ आ गई। अब ये देखें, इनमें भी अगर मैं आपको बात करूँ तो कॉमन रेशियो एक्स आ रही है, ठीक है, तो पहली टर्म बाहर आ गई, ठीक है, आप इस तरह का मान लें, पहली टर्म बाहर आ गई, तो वन माइनस एक्स की पावर इन्फिनिट टर्म्स हैं और वन माइनस एक्स आ जाएगा, और इस सभी की पावर जो है वो कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी, ठीक है। तो ये बाहर वाले एक्स की पावर एन आ गए, और अंदर अगर बात करूँ ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा, और ये वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स है, तो ऊपर पावर आ गए वन ओवर वन माइनस, ये बन जाएगी, ठीक है। तो एक्स की पावर एन वैसे ही रहेगा, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी और एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ठीक है, और एक्स की पावर आर। तो ये हमारे पास फार्मूला लग गया, तो ये देखें ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। और नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करिएगा, कोफिशेंट ऑफ द ए एक्स की पावर आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू आर माइनस वन एन माइनस वन, ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 25 है, उन्होंने कहा है कि देखें ये ईच ऑफ थ्री बॉयज, तीन लड़के हैं, टॉस और डाई, एक डाइस उन्होंने फेंका है एक दफ़ा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर देम टू गेट अ टोटल नंबर ऑफ 14। उन्होंने कहा है कि 14 नंबर कब आया, जब यानी कि टोटल 14 आए, तीन लोगों ने, तीन बॉयज ने एक दफ़ा डाई टॉस किया है, उन तीनों के जो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि उन पे जो डाइस पे की काउंटिंग करें तो हमारे पास 14 आए, ठीक है, द नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड करना है। तो चलिए जी, हमारे पास तीन बॉयज़ हैं, तो जनरेटिंग फंक्शन लिखते हैं, एक मिनट,
इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना। हाँ ठीक है, तीन बॉयज हैं, तो जब पहले बॉय ने फेंका डाइस, तो यहाँ पे जनरेटिंग फंक्शन लिखूंगा, जब पहले लड़के ने डाइस फेंका तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, या उस पर वन आता है या टू या थ्री या फोर या फाइव या फोर या सिक्स, ठीक है। तो ये या उस पर वन आएगा या उस पर टू आएगा, ठीक है, क्योंकि खाली तो होता नहीं डाइस, या उस पर थ्री आएगा या, यानी कि लूडो का दाना कह लें, जब लूडो का दाना फेंके तो या उसमें काना होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री फोर फाइव सिक्स होता है ना, जीरो तो नहीं ना होता वहाँ, या फाइव आ सकता है या सिक्स। अब दूसरे लड़के ने फेंका तो उसकी भी यही पॉसिबिलिटीज है, या वन आ सकता है या टू या थ्री या फोर। तीसरे ने फेंका उसके लिए भी यही पॉसिबिलिटीज हैं, तो सभी को आपस में इस तरह तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तीनों सेम होंगे, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। अब हमने वो फाइंड करना है कि इनका सम जो है वो हमारे पास 14 बनेगा, यानी कि एक नंबर यहाँ से लिया, दूसरे वाले डाइस से उठाया, तीसरे, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगे, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो इसको देखें आप, तो पहली टर्म एक्स है, तो वन माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है, और इसकी पावर कितनी टाइम्स है, छः टाइम्स है, तो इसकी पावर आ जाएगी छः और डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स आ जाएगा, और इस सभी की पावर कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी, इस सभी की पावर आ जाएगी थ्री। ये सवाल मैंने इतनी दफ़ा पीछे करवाए हुए हैं, दोबारा देखें तो एक्स की पावर सिक्स जो है ये अलग हो जाएगी। अब ये देखें ऊपर वाले वन माइनस एक्स की पावर सिक्स, इसकी पावर थ्री लैदा हो जाएगी, और नीचे वाले की लैदा हुई तो वो ऊपर आके माइनस की बन गई, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये एक्स की पावर सिक्स है, इसका फार्मूला खोलूंगा तो एक तीन, यानी वन माइनस थ्री ए स्केयर, वन का स्केयर वन ही होता है, ए स्केयर बी, और प्लस थ्री ए वन है, और बी जो है वो एक्स की पावर सिक्स का स्केयर, छः दो बार बारह, और प्लस छः तीन बार अठारह आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला, माइनस एक्स रेस्ट पावर 18 आ जाएगा, ठीक है। और इसका फार्मूला आ जाएगा समिशन आर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और n की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो थ्री प्लस आर माइनस वन सी आर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तीन में से दो, तीन में से एक निकाला दो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा टू प्लस आर, ठीक है, और जो ऊपर हो वही नीचे आता है, तो यह हमारे पास आ जाएगा टू प्लस आर सी टू आ जाएगा, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को यहाँ पर यूज़ किया, और यहाँ पर एक्स रेस्ट पावर फोर। अब देखें जब एक्स की पावर सिक्स को अंडर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर सिक्स माइनस थ्री एक्स की पावर ट्वेल्व, ठीक है, और प्लस थ्री सिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाया ना, बारह छः अठारह प्लस 18 आ जाएगा, और माइनस पावर थ्री थी यहाँ पे, देखे पावर थ्री थी तो यहाँ पे थ्री आना है, ठीक है ना, पावर थ्री थी तो यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है। जब थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा, सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर भी गलत लिखी जा रहा, तो एक्स की पावर थ्री आएगा माइनस थ्री एक्स की पावर नाइन आएगा प्लस थ्री, बारह में तीन की है तो ये 15 आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 21 आ जाएगा, ठीक है। और ये अभी भी यहाँ तक रहेगा समीशन आर इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी, और ये हमारे पास बन जाएगा तीन में से एक निकाला था तो टू प्लस आर, और कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए नीचे आर लिखा हुआ था, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है, एक्स की पावर आर। अब देखिए हमें कोफिशेंट कौन सा चाहिए, तो हमें कोफिशेंट चाहिए कितने वाला, 14 वाला, 14 वाला। तो ये देखें यहाँ से एक्स की पावर थ्री उठेगी, थ्री में कितना ऐड करें, 11 ऐड करें तो 14 होता है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 11 आ जाएगी, 11 प्लस 2 13, 13 सी टू आ जाएगा, माइनस 3 ये हमारे पास 9 है, हाँ 9 है, 9 में 5 ऐड करूँगा तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, तो 5 6 7 7 सी टू, और यहाँ पे ये x की पावर 4 है, और ये x की पावर यहाँ पे x की पावर 9 है, और ये यहाँ पे मैं 5 ऐड कर दूँगा, और ये देखें ये 15 है तो ये उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो कोफिशेंट हमारे पास क्या आया, 13 सी टू आ गया, और माइनस थ्री, यानी कि 13 सी टू और माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय 7 सी टू आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 सी टू आ जाएगा, और ये क्या आया, कोफिशेंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर 14 आया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं, तो ये चलता गया चलता गया, तो यही आया 13 सी टू माइनस 7 सी टू, ठीक है, तो ये आप इसका आंसर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर समझ आई होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टीशंस ऑफ इंटीजर्स देखेंगे, और जो हमने क्वेश्चंस की एग्जांपल्स किए मैंने यहाँ पे नॉर्मल समझाने की कोशिश की, क्योंकि पीछे वाले 4.1 में और पीछे वाले लेक्चर्स में हमने इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिटेल से और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा, मैं फिर बता देता हूँ कि फार्मूला जो है ना वो ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, ये वाली चीज़ किसके इक्वल होती है, ये वाली चीज़ होती है समिशन एन आर इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, आर इज इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी,
ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर और एक्स की पावर आर। अपने से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, फ़र्ज़ किया मैंने कहा वन माइनस एक्स की पावर आप ले लें माइनस नाइन, ठीक है, कितनी माइनस नाइन है ना, तो ये आ जाएगा समीशन आर इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 9 में से एक निकाला 8, यानी कि एन माइनस आर, तो 8 प्लस आर सी आर और एक्स की पावर आर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिंपल सा, अब कंप्लीमेंट्री कम्बिनेशन कहता है ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस करके भी लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया तो आ गया 8, तो आप इस आर की जगह पे 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ हुई है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।